गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 करेंगे। ये शॉर्ट रिवीजन है, 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर उड़ा देंगे। सारा स्कैनर एकदम आपका समझ में आएगा, सारा स्कैनर सॉल्व है और जितना रेलेवेंट है इस चैप्टर के लिए सब चीज पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट समरी दे रहे हैं, 15 मिनट सुनिएगा ध्यान से, पूरा चैप्टर आपको अच्छा से याद हो जाएगा। और यदि मेरा सारा क्लासेस विथ नोट चाहिए तो आप मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको सीएमए इंटर का लॉ एंड एथिक्स, आईडीटी, ओएमएसएम एंड ऑडिट का सारे क्लासेस मिलेगा विद एमसीक्यू चैप्टर बैच। डायरेक्टली क्लास में आ रहे हैं, देखिए सबसे पहला चीज पढ़ेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग समझिएगा, रटना नहीं, समझना है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब एक प्रकार का सेल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब क्या होता है, देखिए कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर कंसीडरेशन, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलर ट्रांसफर कर रहा है या ट्रांसफर के लिए एग्री कर रहा है, मतलब आज हम बेचेंगे आपको माल या 4 दिन बाद बेचेंगे, एग्री टू ट्रांसफर कर रहा है। तो चीज को समझिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेलर ट्रांसफर कर रहा है या एग्री टू ट्रांसफर कर रहा है गुड्स का ओनरशिप बायर को पैसा लेके, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दो वर्ड है इसमें, देखिए ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सिंपल सा मीनिंग हुआ ट्रांसफर। देखिए ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर इमीडिएटली, ओनरशिप गुड्स का इमीडिएटली ट्रांसफर हो जा रहा है या एग्री टू ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर होगा फ्यूचर डेट में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या एग्री टू ट्रांसफर, मतलब ओनरशिप आज ट्रांसफर कर रहे हैं या फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा, क्या चीज का, गुड्स का, प्राइस लेके, पैसा लेके। सिंपल सा चीज है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया, सेलर गुड्स का ओनरशिप आज आपको ट्रांसफर कर रहा है या फ्यूचर में ट्रांसफर करेगा आपसे पैसा लेके, सिंपल सा मीनिंग यही है। क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सिंपल सा मीनिंग, सेलर आपको गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है आज के दिन इमीडिएटली या फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करेगा, ठीक है, उससे उसके लिए आपसे पैसा लेगा। तो पैसा सीधा सा मतलब है माल बेचने का, सेल का कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं, या सेल इमीडिएटली होगा या फ्यूचर डेट में होगा, बस इससे ज्यादा समझने का नहीं, ये मीनिंग को समझ लीजिए। अब एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के लिए जरूरी एलिमेंट कौन कौन सा है, लॉजिकली समझना है आपको। देखिए रेडिंग से हाईलाइटेड है जो मेन वर्ड है, याद रखना है, देर मस्ट बी टू पार्टीज। याद रखिए जब भी एक सेलर और बायर को कुछ माल बेचेगा तो दो पार्टीज होना चाहिए, उसको बोलते हैं बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो देर मस्ट बी टू पार्टीज, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स, ऑब्वियसली गुड्स बेचेगा, सेलर बायर को क्या बेचेगा, गुड्स बेचेगा, तो दो पार्टीज होना चाहिए, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उसके रिगार्ड में प्राइस होना चाहिए। ट्रांसफर मस्ट बी टेक प्लेस फॉर प्राइस, या पार्टली केस एंड पार्टली काइंड हो सकता है, फुल्ली काइंड नहीं हो सकता, याद रखना है, ठीक है, फुल्ली केस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टीज एक कीवर्ड है, दो पार्टीज होना चाहिए, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तीसरा है पैसा जरूर लेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के, उस ट्रांसफर के बावजूद, ठीक है। ट्रांसफर डन, या देखिए सेलर और बायर के बीच में ट्रांसफर होना चाहिए, सिंपल सा है, इट मस्ट बी ए कंडीशनल और एब्सोल्यूट, कॉन्ट्रैक्ट का जो है कोई कंडीशन हो सकता है, बिना कंडीशन के भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंशियल एलिमेंट है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। पांच वर्ड आपको याद रखना है, दो पार्टीज होना चाहिए, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, और बायर और सेलर के बीच में होना चाहिए, कंडीशनल और एब्सोल्यूट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गुड्स का मीनिंग को समझिए, बहुत अच्छा वर्ड है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन एक्शनल क्लेम एंड मनी। वर्ड को समझना है, सिंपल सा मीनिंग बोलता है, गुड्स मतलब हर प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी मनी को छोड़ के। एक्शनल क्लेम का मतलब होता है सपोज, ठीक है, बी हमसे 1000 रुपया पाता है, ठीक है, चीज को ध्यान से सुनिएगा, बी हमसे 1000 रुपया पाता है, मतलब हमको बी को 1000 रुपया देना है, लेकिन हम सी से 1000 रुपया पाते हैं, तो हम सी को डायरेक्टली बोल दिए कि बी को पैसा दे दो, मेरे बिहाफ में और कोई पेमेंट कर देगा उसको बोलते हैं एक्सनल एक्सनलेबल क्लेम। मतलब देखिए मीन्स राइट टू रिसीव मनी,
मतलब एक्शनेबल क्लेम मीन्स राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन, मेरा पैसा का राइट, मेरा पैसा का हक हम किसी और को दी, मतलब इनडायरेक्टली वो हमसे पैसा ले लिया, इनडायरेक्ट वे में पैसा देने को ही एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं, मनी बोलते हैं, मतलब घुमा फिरा के मनी इन्वॉल्व है। तो गुड्स मतलब आपको याद रखना ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम याद रखना है, ठीक है। एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स होता है, देखिए स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रे ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, क्या क्या याद रखना है, स्टॉक याद रखना है, शेयर याद रखना है, ट्री, ट्री मतलब छोटा ट्री, बड़ा ट्री, सब प्रकार का ट्री, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये छोटा छोटा जो पेड़ होता है उसको बोलते हैं, और थिंग्स अटैच्ड टू लैंड मतलब ट्री, सिर्फ इतना याद रखना है। तो स्टॉक, शेयर एंड ट्री, ट्री मतलब छोटा बड़ा दोनों, तो छोटा में क्या याद रखा है, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, एंड बड़ा थिंग में थिंग्स अटैच्ड टू लैंड काम करते हैं। फॉर्मूला देखिए मैंने बना दिया, आपको याद रह जाएगा, गुड्स का डेफिनेशन के लिए ये फॉर्मूला काफी है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टीज प्लस क्या क्या प्लस होगा, स्टॉक, शेयर, क्रॉप्स, ग्रास, ट्री, बस, माइनस मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम मतलब इनडायरेक्ट वे में आप मेरे से पैसा ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है, पैसा, समझ में आया, सिंपल सा इस डेफिनेशन को देखिएगा तो आपको गुड्स का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ द गुड्स, एग्जाम के लिए जो जो शॉर्ट रिविजन मिले, ठीक है। अब देखिए ज्यादा डीप में समझना है तो मेरा डिटेल से शॉर्ट रिविजन को समझिए, इतना इनफ है आपके एग्जाम के लिए। टाइप ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स नाम से समझ में आ रहा है वो एग्जिस्ट करेगा, विच इज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन, इन एग्जिस्टेंस लिख दीजिएगा, ठीक है, विच इज एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट लिखना चाहते तो इन मत लिखिए, विच इज एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन, ओनरशिप और पोजेस जो है, ओनरशिप और पोजीशन इज विद सेलर, मतलब गुड एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा, ठीक है। गुड सेलर के पास है उसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। फ्यूचर गुड्स क्या है, नाम से समझ में आ रहा है फ्यूचर गुड्स है, मतलब विच इज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन, मतलब फ्यूचर में उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, तो गुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड विच इज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉन एज फ्यूचर गुड्स। कंटीजेंट गुड्स बोलता है द गुड्स एक्विजिशन डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट्स, मतलब शिप में माल आएगा बाहर से तो ही हम आपको दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, तो उसका हैपनिंग और नॉन हैपनिंग एक इवेंट्स पे डिपेंड है, उसको बोलते हैं कंटीजेंट गुड्स, मतलब उसका होना नहीं होना एक कंटीजेंसी पे डिपेंड है। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब गुड एग्जिस्ट, सेलर के पास गुड्स है जब वो बेच रहा है। फ्यूचर गुड्स मतलब फ्यूचर में गुड्स को हम बनाएंगे। कंटीजेंट गुड्स मतलब उसका एक्विजिशन होना एक इवेंट पे डिपेंड है। द गुड्स एक्विजिशन डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट्स, ठीक है। अब याद रखिएगा एग्जिस्टिंग गुड्स तीन प्रकार का होता है, स्पेसिफाइड गुड्स, अनस्पेसिफाइड गुड्स या अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है, और एक होता है असर्टेन गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स मतलब सेम वही गुड चाहिए, मतलब सपोज हम बासमती चावल का आपसे बात कर रहे हैं खरीदेंगे तो आप हमको बासमती चावल ही बेचेंगे, दूसरा चावल नहीं बेचेंगे। गुड्स आइडेंटिफाई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, बता दिया जाता है यही चाहिए। अनअसर्टेन गुड्स लिखते उसके बाद असर्टेन बताएंगे। अनअसर्टेन मतलब नॉट आइडेंटिफाई बट डिस्क्राइब, हम बता दिए हैं कि हम आपको चावल बेचेंगे, हम डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, मतलब कोई भी प्रकार का चावल आपको दे देंगे तो चलेगा, उसको बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स मतलब जिस चावल का बात है वही बेचेंगे। गुड्स आइडेंटिफाई आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे, सीधा सा बात है, ठीक है। सिंपल में आपको ये याद रखना है कि एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स में तीन वर्ड याद रखना है। एग्जिस्टिंग गुड्स में गुड एग्जिस्ट करता है सेलर के पास एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। फ्यूचर गुड्स में गुड एग्जिस्ट नहीं करता है सेलर के पास एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, ये फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होगा। और कॉन्टीजेंट गुड्स बोलता है जिस गुड्स का एक्विजिशन डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट,
ठीक है, ये एग्जिस्टिंग गुड्स तीन प्रकार का होता है, स्पेसिफाइड गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स मतलब गुड्स आइडेंटिफाई हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, अनअसर्टेन गुड्स में सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, और एक आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद असर्टेन गुड्स बताया जाएगा, इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन वर्सेस वारंटी। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम शॉर्ट में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए कंडीशंस क्या है, इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनवैलिड एंड वॉइड इफ कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड। मतलब कंडीशन क्या है, मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यदि वह कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉलेज कंडीशंस, याद रखिए, इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉलेज कंडीशन, इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कंडीशन मींस एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिए, कंडीशन बिकम इनवैलिड, याद रखिए, इफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनवैलिड एंड वॉइड इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यदि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कंडीशन, मतलब जिस पर्पस के लिए हम गुड्स खरीद रहे हैं वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, यदि वो पर्पस नहीं फुलफिल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड एंड वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, Mr. A want to buy a bike which gives mileage at least 40 kilometers. We sell a bike which gives mileage of 30 kilometers. Air condition is which? Mr. A bike खरीदना चाहता था, उसका main condition था कि कम से कम 40 किलोमीटर का वो बाइक हमको एवरेज दे। तो essential element क्या था contract का कि 40 किलोमीटर बाइक का एवरेज होना चाहिए, एक लीटर तेल भराएंगे तो 40 किलोमीटर चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन भी ऐसा बाइक बेचता है कि वो 40 किलोमीटर की जगह 30 किलोमीटर चलता है, तो इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशंस। याद रखिए, ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, इट मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। याद रखिए, ब्रीच ऑफ कंडीशंस को ब्रीच ऑफ वारंटी भी माना जाएगा और इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि यदि ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड एंड वॉइड हो जाता है और बायर डैमेजेस के लिए क्लेम भी कर सकता है। इतना ही पॉइंट याद रखना, ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी को ऑप्शन छ, इट इज कोलैटरल मतलब एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल सिक्योरिटी टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिमेंस वैलिड इफ वारंटी इज नॉट सैटिस्फाइड। याद रखिए, एडिशनल बेनिफिट, उस आप जो खरीद रहे हैं उसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं वारंटी, एडिशनल सिक्योरिटी, कोलैटरल बेनिफिट टू मेन कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए वांट टू बाई ए गुड बाइक, मिस्टर ए एक अच्छा बाइक खरीदना चाहता है, चीज को समझिए, बी सो ही में बाइक एंड से इट्स गिव्स यू माइलेज ऑफ 40 किलोमीटर, ए बाय द बाइक बट ही फाइंड इट्स गिव्स ए माइलेज ऑफ 30 किलोमीटर, दिस इज ब्रीच ऑफ वारंटी। चीज को समझिएगा, डिफरेंस समझिएगा, मिस्टर ए बोलते हैं हम अच्छा बाइक खरीदना चाहते हैं, वो कितना किलोमीटर माइलेज देता है मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन भी बेचते समय बोलता है 40 किलोमीटर माइलेज देगा, लेकिन वो उसकी जगह देता है 30 किलोमीटर। लेकिन एक एसेंशियल एलिमेंट क्या था कॉन्ट्रैक्ट खरीदते समय, कि अच्छा बाइक होना चाहिए, उसका माइलेज से हमको कोई लेना देना नहीं, फिर भी बोल देता है कि 40 देगा, उसकी जगह 30 देता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट क्या था उसका कॉन्ट्रैक्ट का, कि एक हमको अच्छा बाइक होना चाहिए, उस बाइक के साथ माइलेज एक क्या एडिशनल बेनिफिट है, एडिशनल सिक्योरिटी है, कोलेट्रल बेनिफिट है, कोलेट्रल सिक्योरिटी, उसी को बोलते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। ये इसका क्या है, 30 किलोमीटर दिया तो ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया, ब्रीच ऑफ वारंटी में सिर्फ डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। याद देखिएगा, इट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं दिया जा सकता। तो कंडीशन क्या, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कंडीशंस, और एडिशनल बेनिफिट विथ मतलब एडिशनल बेनिफिट विथ मेन एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज वारंटी। सिंपल सा चीज, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्रेस कंडीशन आर दोज विच आर एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल कंडीशन मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें स्पेसिफिकली लिखा जाएगा कि ये कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड होना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है पॉइंट वाइज लिखा जाएगा। याद रखिएगा, देखिए, विच एज
which are agreed between the parties at the time of contract and expressly provided in the contract. मतलब express condition contract में specifically provided होगा. Point by point, expressly condition, express condition लिखा जाएगा. Written condition बोलते हैं. ठीक है. And the implied condition are those which are presumed by law to be presented in the contract. माने law के हिसाब से मान लिया जाएगा कि ये चीज contract में होना ही चाहिए. एक्सप्रेस कंडीशन मतलब पॉइंट बाय पॉइंट वो कंडीशन लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, और इम्प्लाइड कंडीशन मतलब लो के हिसाब से हम उसको प्रिज्यूम कर लेंगे. ठीक है. देखिए इम्प्लाइड कंडीशन क्या है. कंडीशन एज टू टाइटल मतलब सेलर को ही गुड्स का ओनर माना जाएगा. सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स. सेल बाय डिस्क्रिप्शन जो बता रहा है उसी हिसाब का माल बेचेगा. सेल बाय सैंपल जो सैंपल दे रहा वही माल बेचेगा. सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से माल बेचेगा. और जो कंडीशन बोलता है क्वान्टिटी का क्वालिटी वही क्वालिटी का माल देगा. ये सब प्रिज्यूम किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा. ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स समझा रहे. कैवियट इम्प्टोर इसका मीनिंग क्या है. लेट द बायर बीवेट मतलब सिंपल सा बात बोल रहा है कि बायर होशियार होना चाहिए. अपना जब माल खरीदे तो खुद देख के खरीदे, सेलर पे जिम्मेदारी ना दे. ध्यान से सुनिएगा जब मैं प्रोविजन पढ़ाऊंगा. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज मैं सब्जी मार्केट में टमाटर खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं टमाटर जब बाँच के ला रहा हूँ, अब घर में ला के देख रहा हूँ कि टमाटर पोचे निकले हैं, तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है. वो जिम्मेदारी मेरा है, सेलर का जिम्मेदारी नहीं. अब इस प्रोविजन को पढ़ रहे हैं तब आपको समझ में आएगा. When the seller display their goods in the open market, it is the responsibility of the buyer to select proper goods. If goods turn out to be defective, buyer cannot blame for the seller. The seller has no responsibility for bad selection of the buyer. यदि सेलर ओपन मार्केट में गुड्स दिखा रहा है, उसके बाद बायर बाज के ले जाता है गुड्स को, उसके बाद डिफेक्टिव निकल जाता है, तो सेलर का कोई जिम्मेदारी नहीं है, बायर का गलती. लेट द बायर बीवे बायर को होशियार होकर रहना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है कैवियट इम्प्टोर. ठीक है. देखिए, व्हेन द सेलर डिस्प्ले देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू सिलेक्ट प्रॉपर गुड्स. यदि सेलर डिस्प्ले कर रहा है गुड्स ओपन मार्केट में, तब बायर का जिम्मेदारी है कि अच्छा गुड्स को सिलेक्ट करे और ले जाए. यदि गुड्स डिफेक्टिव निकल जाता है तो सेलर का कोई जिम्मेदारी नहीं. इस रूल का तीन एक्सेप्शन से ध्यान से सुनिए, इस केस में रूल अप्लीकेबल नहीं होता है. व्हेन द गुड्स आर ब्रॉट बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन, देन दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल. व्हेन गुड्स आर नॉट मैच विद सैंपल मतलब सपोज सेलर ने मुझे दिखाया कि बासमती चावल हम आपको बेच रहे हैं, इसका सैंपल देखिए, और बाद में वो दूसरा चावल भेज देता है, बासमती नहीं भेजता, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं भेज रहा है, तो ये रूल नहीं चलेगा. व्हेन द सेलर सेल द गुड्स बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब फ्रॉड करके सेलर बेच रहा है, तब ये रूल अप्लीकेबल नहीं है. और इन केस ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, डिस्क्रिप्शन या के हिसाब से नहीं बेचा, इम्प्लाइड कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, तब ये रूल अप्लीकेबल नहीं है. ध्यान से सुनिएगा. अब नेक्स्ट आ जाता है अनपेड सेलर. अनपेड सेलर किसको बोलते हैं. नाम में क्या लिखा हुआ है देखिए, अनपेड मतलब पैसा पूरा पेड नहीं किया. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा किस सर्कमस्टेंसेस में होता है. इफ द कंप्लीट प्राइस इज नॉट पेड बाय द बायर, ठीक है, यदि बायर ने पूरा पैसा नहीं पे किया है. दूसरा, इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड बाय बायर गेट डिसऑनर्ड. समझिए, सपोज मैंने ईएमआई में एक कार लेके आया, ठीक, दोनों में ही हम क्या है, हम बायर है, सपोज वो सेलर अनपेड, उसको पूरा पैसा नहीं पे किया गाड़ी का. तो इफ द कंप्लीट प्राइस इज नॉट पेड बाय द बायर, मैंने जब कार खरीदा तो सिर्फ डाउन पेमेंट करके आए हैं, पूरा गाड़ी का पैसा नहीं दिया, और हम जो चेक दिए ईएमआई को बाउंस हो जाता है. इफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड बाय द बायर गेट डिसऑनर्ड, तो उस केस में क्या हो गया, वो हो गया अनपेड सेलर. अब उसका राइट क्या क्या है देखिए. राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट बायर, ठीक है. गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट. राइट ऑफ लियन मतलब रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स, वो कार हमसे वापस ले लेगा, ठीक है. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इसका मतलब समझिए, व्हेन बायर बिकम इंसॉल्वेंट सेलर कैन रिज्यूम पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम कैरियर. याद रखिए चीज को समझिएगा, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, माल सेलर आपका रेलवे में लगा दिया, सब कुछ मैं कोई बाई पोस्ट कुछ ईएमआई में मंगाया, ठीक है, मेरा ट्रांजिट में माल पड़ा है और मैं इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया, तो वो वापस ट्रांजिट में रोक सकता है कुछ और वो खुद ले जाएगा. तो अनपेड सेलर के समय क्या क्या राइट है देखिए. अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन, माल किसी और को मेरे से लेके बेच सकता है, तो राइट ऑफ लीन मतलब गुड्स को वापस ले सकता है. राइट ऑफ रीसेल किसी और को बेच सकता है.
और यदि वो ट्रांसपोर्ट में माल बेच रहा है तो उसको स्टॉप कर सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इतना ही गुड्स के अगेंस्ट राइट। और बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है अनपेड सेलर का, टू सू बायर, बायर के अगेंस्ट वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है यदि बायर पेमेंट ना दे, डैमेजेस के क्लेम कर सकता है, और इंटरेस्ट यदि उसका जो इंटरेस्ट लगा है पैसा का उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। दो क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो ऊपर में समझाया है। देखिए स्टॉपेज इन ट्रांजिट का एग्जांपल हम फिर से समझाते रहे, मिस्टर एच सेल गुड्स टू मिस्टर आर, मिस्टर एच एग्जाम क्वेश्चन है, मिस्टर एच ने मिस्टर आर को कुछ गुड भेजा, आफ्टर गुड्स सेंड बाय रेलवे, ठीक है, गुड्स जब रेलवे में भेजा जा रहा है, मिस्टर आर बिकम इंसॉल्वेंट, मिस्टर आर इंसॉल्वेंट हो गया, व्हाट राइट मिस्टर एच पोजेस, मिस्टर एच के पास क्या राइट है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, व्हेन बायर बिकम इंसॉल्वेंट सेलर कैन रिज्यूम पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम कैरियर, वापस वो माल अपना कैरियर से ही माने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से मंगा लेगा, सिंपल सा। राइट ऑफ द बायर, बायर का क्या क्या राइट है, देखिए नॉर्मल राइट ऑफ द बायर ये आता है, ठीक है, सिंपल राइट ऑफ बायर क्या होगा, टू रिसीव डिलीवरी ऑफ द गुड्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको माल मिलना चाहिए, टू स्यू सेलर इफ डिलीवरी फेल, यदि सेलर टाइमली गुड्स को डिलीवर नहीं करता उसके अगेंस्ट स्यू कर सकता है, और यदि टू स्यू सेलर फॉर डैमेज, यदि डैमेज माल देता है उसके अगेंस्ट स्यू कर सकता है। इतना क्वेश्चन इनफ है, मेरा क्लासेस चाहिए और तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, थैंक यू।